पता नहीं क्या है कैसा नहीं है, आप कमेंट करके बताना भाई क्या लगा कबूतर, कैसा लगा। ठीक है, ये कुछ वजूद है इसका। और ये भाई इसने गुलाबी छल्ले पहन रखे हैं, ये देखो, ये भाई का गर्दान कबूतर था। ये तो भाई उनका ठुड गर्दान कबूतर है, ठुड जिसे कहते हैं। ये देखो भाई, शौक करो पहले इसकी आँखों का, अनारी आँखों का है, पटियाला कबूतर है, चेहरा देख लेना भाई, ये देखो। और बाकी बजनी पहन रखी है इसने कुछ इस प्रकार की। और ये भाई कम से कम हमसे दो सीजन लड़ा हुआ है कबूतर, दो सीजन लड़ा है कम से कम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई आज की वीडियो में हम कबूतर दिखाने वाले हैं जो हमने अपने सहदी के पकड़े हैं, दो कबूतर, एक सफ़ेद है और एक भंवरा अनारा पटियाला है। आप सहदी को तो जानते होंगे, जो भाई है हमारा, भाई है वो हमारा मान लो, ठीक है। बाकी शौक करवाता हूँ कबूतरों का। फिलहाल भाई कबूतर चल रहे हैं, ये देखो गायब, कहाँ गए कहाँ गए, ये देखो भाई इसमें हमारे भी हैं और संतोष भाई के भी हमारे, ठीक है, दोनों के मिक्स होके चल रहे हैं ऊपर। इनको दाना पानी कर दिया है भाई आज, और कबूतर आ रहे हैं धीरे धीरे नीचे। देखो ये रहा अपना फुलसरा मद्रासी, और एक ये आया, जोड़े वाले भी उड़ा रखे हैं भाई, उड़ा दिया, हल्की सी झंडी दे दी है, और बच्चे निकल रहे हैं तो जल्दी उतर जाएंगे। और ये अपने उड़ने वाले गर्दान कबूतर, और ये है नए, ठीक है। चलो बिना किसी देरी के मैं आपको शौक करवाता हूँ उन दो कबूतरों का जो हमने पकड़े हैं सहदी भाई के, ठीक है। कल हमारा एक बच्चा भाग गया, कैच में सही था, हल्का दुआज पट्टा, और वो पिटा नहीं है, मतलब किसी ने पकड़ा नहीं है अभी तक, भटक ही रहा है वो, पीछे पीछे ही है, आ जाएगा। खैर आज तो आ ही जाएगा, कल पूरे दिन रह गया, आज रह रहा है, आज तो आ ही जाएगा। ये दुआज बच्चा है, उसी का छोटा भाई है भाई, ये जो फड़फड़ा रहा है दुआज, इसी का छोटा भाई है, रह गया बहुत छोटा सा बच्चा भाई, आपने वीडियो में देखा होगा जो भाई पहले से वीडियो देख रहे हैं। फिलहाल मैं आपको वो कबूतर दिखाता हूँ सहदी के जो हमने पकड़े हैं। एक तो भाई इसमें से गर्दान है, ये देखो भाई, पहले इस कबूतर का शौक करो। ये भाई सफ़ेद कबूतर, ठीक है, ठीक है, गर्दान होने पर इतना गर्दान नहीं था, मतलब इसी सीजन का था ये, पहले शुरुआत से लड़ रहा था ये, कल पकड़ा इसे हमने, ठीक है भाई, बताना कमेंट करके। ये गिरी गया भाई झटके में, और छपका मारा इस पर भाई, छपके में से निकल गया, मैं था नहीं भाई तो वीडियो बना नहीं पाया, भाइयों ने पकड़ रखा था और मेरा पेपर था, इसीलिए मैं भाई वीडियो नहीं बना पाया इनकी, और मैं छत पे भी नहीं था, ठीक है। फिलहाल इन्होंने भाइयों ने ये पकड़ा सफ़ेद, और बाकी दूसरा कबूतर दिखाऊँगा, इससे पहले बता देना भाई कमेंट करके कबूतर कैसा लगा आप सभी भाइयों का। ये कुछ पर है इसके, पर तो बांध दिए हैं, पर परों का शौक कर लो भाई। चलो अब दूसरा कबूतर दिखाते हैं, श्योर नहीं हूँ पर फिर भी भाई दो सीजन तो लड़ा है, दो नहीं तो एक सीजन, ये इसका दूसरा सीजन तो है, क्योंकि पिछले सीजन ये खूब धुआंधार लड़ा है, और उससे पिछले सीजन का पता नहीं, लेकिन इस सीजन भी लड़ा है खूब, और इससे पहले सीजन में तो पक्का लड़ा है। ये देख लो भाई पटियाला कबूतर है, कमेंट करके बताना भाई, ये उसके कूंदे। और इस कबूतर की कहानी तो कुछ ऐसे है भाई, ये कबूतर आया, भाई ने कबूतर रोक लिए, हमने भी रोक लिया, हमने कबूतर चल दाना वाना कर दिया, हमने सारे नए पुराने खोल दिए, और हमने ध्यान नहीं दिया कि ये भाई हमारी छत पे ही बैठा हुआ है, क्योंकि इसके जैसा हम पे सेम ऐसा ही कबूतर है, दिखाता हूँ, दिखा भाई, ये भंवरी कबूतरी है, ये बैठी, ये देखो भाई, ये भी अनारी है, सेम डिट्टो ऐसी है, तो हमने भाई ध्यान नहीं दिया, इसीलिए इसे देखा होगा तो हमें अपनी लगी होगी। तो ये भाई कबूतर ऐसे ही खुले हुए थे, ये छत पे ही बैठा था, हमने ध्यान नहीं दिया, फिर हमने कबूतर बंद कर दिए, ठीक है भाई, और ये इस जाल में बंद हो गया, ठीक है। इस जाल में बंद होने के बाद भाई हमारे दो तीन कबूतर रह गए थे, वो बंद नहीं हुए, फिर उन्हें बंद करने के लिए हमने जब शाम को गेट खोला इसका, मतलब अंधेरे से में थोड़ा, तो भाई ये गेट खोल के ना ये कबूतर सारे बाहर आ गए, और यहाँ पर ये बैठ गया, हमने तब जाके ध्यान दिया कि ये कबूतर बैठा हुआ है, फिर भाई हमने बुलाया, फिर ये नीचे आया, फिर दोबारा जाल में ही घुस गया, इसे पकड़ने में मेहनत भी नहीं लगी, दोबारा जाल में घुस गया, फिर इसको पकड़ा, फिर इसका पोटा वगैरह चेक किया ना, तो भाई हमें पता चला कि इसने दाना भी खा रखा है फुल, और हमारी छत का ही दाना खा रखा था, हमारी छत का दाना खाया, बस पकड़ा, फिर इसके परवर बांधे, फिर भाई से फ़ोन करके पूछा, तो भाई को पता ही नहीं थी कि उनके कबूतर गिर गए हैं दो। ये देखो भाई छल्ली देखो इसकी, ये कुछ ऐसा कबूतर है, कमेंट करके बताना भाई कैसा लगा।
सैदी के हैं भाई ये दोनों, छोड़ के दिखाता हूँ, दूसरा वाला भी छोड़ के दिखाता हूँ। ये जो वाइट कबूतर है ना भाई, बहुत गुटकता है, बहुत ऐसा लगता ही नहीं है कि ये सैदी का, ऐसा लगता है हमारे ही कबूतर है। ये वाइट वाला इतना गुटकता है क्या बताऊं। जिस दिन पकड़ा था भाई छपके में से निकल गया था ये, छपके में से निकलने के बावजूद भी ये फिर आ गया। हाँ दाना खा रहे हैं ये, भूखे हैं, शाम को डलेगा भाई दाना इनका, एक टाइम ही डालता हूँ मैं इनको उड़ने वालों का, क्योंकि भाई सही रहता है। बाकी मैं इन दोनों को तो हटा ही दूंगा, क्योंकि भाई आप सब जानते हो सैदी के कबूतर कोई रखता नहीं है। और ये तो कबूतर ठुट गर्दान है भाई का, पता नहीं कैसे गिर गया, अचानक से ही गिर गया भाई ये, हमें खुद नहीं पता कब गिरा कब नहीं गिरा, बस अंधेरे में हमने देख लिया, वरना अगले दिन निकल के ही भाग जाता। चलो कोई नहीं, फिलहाल इन कबूतरों की रिपोर्ट कुछ ऐसी है। एक कबूतर की गांठ बन गई है यार मुंह पे, फिर से कहाँ है वो कबूतर, दिखा नहीं कबूतर मुझे, वो उड़ा भी नहीं है, उड़ा नहीं है, नहीं उड़ा नहीं था, नहीं चार नहीं, इसका अंडा खराब हो गया, पूरा तोड़ दिया, दोनों खराब हो गए। ये देखो भाई अंडा चटक गया है, वैसे फिलहाल ये मेरे को ऐसा लग रहा है सही है, तो इसको ठीक करने के लिए ये बीट है गीली, इसको ऐसे करके यहाँ लगा दो, ठीक है भाई, ताकि अंडा फूटे ना। अब ये जब सूख जाएगी ना ये टाइट हो जाएगी यहाँ से। पहली बार दिया ना अंडे, एक अंडा इसका कल ही खराब हो गया था, कोई दिक्कत नहीं भाई, पहली बार के इनके इसीलिए दिक्कत हो रही है, इसके बाद के तो सारे अंडे बच जाएंगे जहाँ तक है। ये देखो भाई बीट लगा दी इस पे, अब ये सूख के ना एकदम बढ़िया हो जाएगा अंडा, छटकेगा नहीं फिर ये, मैंने रख दिया है। चलो बाकी कबूतर तो उड़ी रहे अपने, ये देखो भाई ये बताना भाई कैसे उड़ रहे हैं, इसमें भाई के भी उड़ रहे हैं, संतोष भाई के हमारे, उनके ही है ज़्यादा कबूतर, हमारे तो पाँच छः होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं और बाकी भाई ब्रीडिंग सेटअप का अपडेट दूँ तो आपको दिखाऊँ। ये बच्चे देख लो एकदम ओके की रिपोर्ट है, ठीक है, फिर उसके बाद ये बच्चे देखो, ये भी बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है, ये इनके माँ बाप भाई, और बच्चे ये हमारे, ये रे ये बच्चे देखो भाई, ये भी बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है, ये फंसा हुआ है भाई बच्चा, इसको यहाँ डाल देते हैं बेचारे को, अब ठीक है। और इसके बाद ये हैं बाबा के बच्चे, ये भी ओके की रिपोर्ट है, और इस मादिन के अंडे हैं भाई, ये भी अपना बढ़िया से सेक रही है, इसका बच्चा है, ये देख सकते हो भाई, ये भी ओके की रिपोर्ट है बिल्कुल। चलो निकलते हैं बाहर, ये रहा अपना बाबा और उसकी मादिन, बाकी इन नए कबूतरों को भी भाई बहुत जल्दी खोलने वाले हैं, तो वीडियो में भाई बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई, जो भी भाई मेरा नया हो, ठीक है। और ये कबूतर तो मैंने दिखाई दिया आपको सैदी के पकड़े हुए, हमारा सैदी भाई आप सभी जानते होंगे। बस भाई यही था आज की वीडियो में, होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, तो जो भी मेरा भाई चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।